झंडी दिखाई गई है। ये भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का ही तो प्रतिबिंब है। साथियों, मैंने अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में बन रहे घरों को देखा। इन घरों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। मुझे विश्वास है कि यहां लखनऊ में देश भर से जो साथी आए हैं, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और अपने शहरों में इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब का जीवन बदलती है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वनिधि योजना भी है। लखनऊ जैसे कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है। कहीं बूध बाजार लगता है, कहीं गुरु बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है, और इन बाजारों की रौनक हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी का एक साथ ही बनकर के लाए हैं। हम पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है और वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज जब मैं हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों द्वारा डिजिटल लेन देन की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था कि कंप्यूटर लिखे लोग कैसे डिजिटल लेन देन कर पाएंगे, लेकिन स्वनिधि योजना से जुड़े रेहड़ी पटरी वाले अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन कर चुके हैं। अब ये थोक व्यापारियों से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। आज ऐसे ही साथियों की वजह से भारत डिजिटल पेमेंट में नए रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी पिछले 3 महीने में हर महीने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का डिजिटल लेन देन हुआ है। यानी बैंकों में लोगों को आना जाना उतना ही कम हो रहा है। ये बदलते हुए भारत और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में भारत में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की चुनौती दोनों पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हुआ है। मेट्रो भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भारत मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही है। और मुझे आज अफसर बता रहे थे कि 1050 किलोमीटर पर काम चल रहा है। यूपी के भी 6 शहरों में आज मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य या फिर उड़ान योजना, ये भी शहरी विकास को गति दे रहे हैं। 21वीं सदी का भारत
अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और साथियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है रोजगार निर्माण। शहरों में चाहे मेट्रो का काम हो, घरों का निर्माण हो, बिजली पानी का काम हो, ये बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स उन्हें फोर्स मल्टीप्लायर मानते हैं। इसलिए हमें इन परियोजनाओं की गति को बनाए रखना है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत की, भारतीय संस्कृति की प्राणवायु समाई है। ये प्रभु श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यूपी की समृद्ध विरासत को संजोना संवारना, शहरों को आधुनिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 2017 के पहले के यूपी और बाद के यूपी का अंतर उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छे जानते हैं। पहले बिजली यूपी में आती कम थी, जाती ज्यादा थी, और आती भी थी तो वहां आती थी जहां नेता चाहते थे। बिजली सुविधा नहीं, सियासत का टूल थी। सड़क सिर्फ तब बनती थी जब सिफारिश हो। पानी की स्थिति तो आप सभी को पता है। अब बिजली सबको, सब जगह एक समान मिल रही है। अब गरीब के घर में भी बिजली आती है। गांव की सड़क किसी सिफारिश की मोहताज नहीं है, यानी शहरी विकास के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है वो भी आज यूपी में मौजूद है। मुझे विश्वास है आज यूपी की जिन परियोजना का शिलान्यास हुआ है वो योगी जी के नेतृत्व में तेजी से पूरी की जाएगी। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी का माननीय